छोटका चिड़ई कावड़ी हन जब बड़का चिड़ैया बाजबा नंबर के गई जमाना नंबर के राजबा। शानदार संगीत, शानदार। पता है पहाड़ों की सबसे खास बात क्या होती है? पहाड़ हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में कोई भी लक्ष्य जो होता है ना, वो बड़ा नहीं होता है। एक एक प्रयास से और एक एक सीढ़ी चढ़ करके जीवन में किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। तो फाइनली ये 17 किलोमीटर का ट्रैक है और काफ़ी थक गए हम लोग, लेकिन क्या है कि अभी ये पूरा जंगल पुष्पाराइज टाइप की फीलिंग आ रही है, तो क्या है कि थकेगा नहीं सारा। तेज दौड़ती हुई जिंदगी में खत्म हो रही संवेदनाओं को बचाने का एकमात्र साधन है यात्राएं करना। यात्राएं हमेशा से ही आपको रोज की जिंदगी के अलावा कुछ अलग करने का मौका देती हैं। आप जब भी यात्राएं करते हैं, आप खुद के बेहद करीब होते हैं। अब ऐसे में अगर कोई प्राकृतिक और धार्मिक जगह अगर आपके घर से इतने करीब हो कि आप एक या दो दिनों के लिए निकलें और वहां की प्राकृतिक सुंदरता में दुनियादारी की बातों से दूर बिल्कुल एकांत में रहें, तो सोचिए कितना आनंद आएगा। कुछ ऐसा ही आनंद लेने के लिए हम गणेशा उमेशा इस बार निकल चुके हैं एक ऐसी यात्रा पे जहां हमारे अलावा दूर दूर तक बस प्रकृति के सुंदर नजारे बिखरे हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण और मित्र देश नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र के पहाड़ों में स्थित सोमेश्वर धाम और माँ कालिका मंदिर के दर्शन यात्रा की। फिर चाहे आपको पहाड़ियां या झरने पसंद हो जो आपके शरीर के रोम रोम को रोमांच से भर दें, या कुछ पौराणिक व ऐतिहासिक मंदिर और गुफाएं जो आपकी जिज्ञासा बढ़ाने के साथ साथ आपकी धार्मिक भावनाओं को संतुष्ट करें, तो सोमेश्वर धाम काली पहाड़ की यात्रा आपके लिए एक ऐसी यात्रा है जो इन सभी चीजों का एक कम्प्लीट पैकेज है। सोमेश्वर धाम स्थित काली पहाड़ की यात्रा में हर किसी के लिए भ्रमण योग्य कई महत्वपूर्ण स्थान है। बिहार पर्यटन के दृष्टिकोण से सोमेश्वर धाम की तीर्थ यात्रा का विशेष महत्व है। यहाँ की पहाड़ियों में स्थित महादेव के सोमेश्वर मंदिर और माँ सोमेश्वर कालिका मंदिर बिहार राज्य के सर्वाधिक विख्यात दर्शनीय स्थलों में से एक हैं। इस तीर्थयात्रा के दौरान रास्तों में पड़ने वाले रमणीय और प्राकृतिक नजारे बरबस ही आपको अंदर से रोमांचित कर देने वाले हैं, और फिर आप यही सोचेंगे कि बिहार राज्य का ऐसा नजारा तो हमने देखा ही नहीं। तो नमस्कार, हम हैं गणेशा उमेशा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब आइए बात करते हैं इस यात्रा की शुरुआत कहां से और कैसे करनी है। बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण में हरिनगर का एक सुंदर सा रेलवे स्टेशन है जो कि देश के सभी बड़े रेलवे स्टेशन के सीधे संपर्क में है। यहां तक की यात्रा आप ट्रेन से या अपने निजी साधन से कर सकते हैं। निजी साधन से आप रामनगर भी बड़े आसानी से आ सकते हैं। रामनगर का ही रेलवे स्टेशन हरिनगर के नाम से जाना जाता है। निजी साधन से अलग अगर आप ट्रेन से यहां तक आए हैं तो रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो रिक्शा या प्राइवेट साधन आपको आगे की यात्रा कराने के लिए हमेशा खड़े मिलेंगे। इस यात्रा में अगला पड़ाव अब गोवर्धना जंगल होता है जिसकी दूरी यहां से लगभग 20 किलोमीटर की होती है। सोमेश्वर धाम के लिए गोवर्धना पहुंचने के पश्चात ही घने जंगलों और नदी के मार्गों से होते हुए पहाड़ों की चढ़ाई शुरू हो जाती है। गोवर्धना से सोमेश्वर कालिका मंदिर की दूरी लगभग 17 किलोमीटर की है जो कि पैदल ही तय करनी होती है। इस यात्रा के दौरान ध्यान देने वाली सबसे जरूरी बात ये होती है कि आपको अपने साथ बेहद जरूरी कपड़ों के साथ साथ खाने पीने वाली चीजें ही साथ रखनी होती हैं। अनावश्यक भार के साथ यह यात्रा बेहद थकाऊ है, तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। और हाँ, खाने के लिए जरूरी चीजें भले ही कम हो पर पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी का होना बेहद जरूरी है। हालांकि इस यात्रा के दौरान कई जगहों पर स्थानीय श्रद्धालुओं के द्वारा जल के साथ साथ चने और गुड़ आदि की भी व्यवस्था आने वाले यात्रियों के लिए की जाती है। लेकिन इन सभी बातों से अलग राहत की बात यह है कि यात्रा के दौरान कई जगहों पे पीने योग्य पानी के प्राकृतिक स्रोत भी आपको झरनों के रूप में जगह जगह पे मिलते रहेंगे, जिनका आनंद आप यात्रा के समय ले सकते हैं। Awesome टेस्ट। हमारी अपनी बात करें तो इस यात्रा की शुरुआत हमने तड़के सुबह 4 बजे ही कर दी थी। हालांकि घनघोर अंधेरे में जंगल का सफर काफी ज्यादा एक्साइटिंग रहा। घने अंधेरे में जंगलों के बीच पगडंडियों से गुजरते हुए कई जंगली पक्षियों और जानवरों की आवाजें हमारे रोम रोम को रोमांचित कर रही थी।
कुछ ही पलों में अंधेरा छट चुका था और सूरज की लालिमा में जो नजारा हमारी आंखों के सामने था उसे शब्दों में बताना बेहद ही मुश्किल। लगभग 17 किलोमीटर के इस लंबे ट्रेकिंग में शुरुआती 5 से 6 किलोमीटर में आपको प्रकृति के ऐसे नजारे देखने को मिलेंगे जिनसे आप स्वयं को प्रकृति के बेहद नजदीक पाएंगे। दोनों तरफ पहाड़ियों के बीच से गुजरती हुई नदी के जल प्रवाह से बने प्राकृतिक रास्तों पर चलते हुए आप एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास करेंगे। पहाड़ियों से घिरे सकरे रास्तों में पड़ने वाले झरनों की बीच की प्राकृतिक सुंदरता सहज ही आपका ध्यान आकर्षित कर लेगी। लगभग 5 से 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद पड़ने वाले कैंप पे आपको यात्रा पर्ची लेना बेहद जरूरी होता है, इसलिए पहचान के लिए अपने साथ एक आईडी प्रूफ जरूर रखें। यहाँ से आगे अब आपकी यात्रा में पर्वतों की चढ़ाई बेहद कठिन हो जाती है, लेकिन भक्तिभाव और श्रद्धा से आते जाते हुए श्रद्धालुओं में बच्चों और बूढ़ों को देखकर आपका मनोबल स्वतः ही मजबूत होने लगेगा। कुछ समय की सीधी चढ़ाई के पश्चात इस यात्रा का अगला पड़ाव मनचंगवा होता है, जहां स्थानीय निवासियों के द्वारा यात्रा पे आए हुए श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क रूप में चने और गुड़ के साथ साथ पीने योग्य पानी की व्यवस्था भी की गई होती है। सोमेश्वर काली पहाड़ी में जब माता जी का दर्शन करने आप आएंगे तो रास्ते में आपको सेवादारी के तौर पे ये चने और गुड़ खाने को मिलेंगे, जिससे आपको एक नई एनर्जी मिलेगी और आप में एक नई ऊर्जा के साथ माता जी का दर्शन करने के लिए एक नया उत्साह पैदा होगा। तो बहुत आनंद आ रहा है इस पूरे ट्रैक में। अगर आप आने के लिए सोच रहे हैं तो साल में बस एक बार माता जी का दर्शन होता है चैत्र नवरात्रों में। तो लेट्स रॉक, जय माता दी, जय माता दी। यहाँ पर थोड़ी देर के विश्राम के बाद आपको अब आगे की यात्रा शुरू करनी होती है। प्राकृतिक रमणीयता के बीच पहाड़ों की कई श्रृंखलाओं से कभी नीचे और कभी ऊपर की चढ़ाई करते हुए आप पहुँचते हैं यात्रा के अगले बिंदु पे, जहाँ कई तरह की दुकानें यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा मेले के रूप में आपको दिखाई देती है। कैसा लग रहा है खाके? टेस्ट कैसा है? अच्छा, शानदार, एक नंबर, बढ़िया, मस्त भैया। अभी खा लीजिए भैया। अरे अभी खाएंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे डेस्टिनेशन पे जहां पे आप रुक करके यहां पे स्नान ध्यान कर सकते हैं और साथ ही साथ यहां पे जलपान और सारी व्यवस्थाएं हैं। पैसे दे करके आपको आपकी जरूरत की सारी चीजें मिल सकती हैं। इस यात्रा में स्नान करने के लिए यह अंतिम स्थान होता है। यहां स्नान और ध्यान आदि करके अब आपको आगे की यात्रा तय करनी होती है। थोड़े ही समय के बाद अब आप पहुंचते हैं यात्रा के एक मुख्य धार्मिक स्थल भर्थरीकुटी पर। ऐसी मान्यता है कि अपने राज्य की सुख और समृद्धि हेतु राजा भर्थरी ने महादेव के शिवलिंग की स्थापना कर यहां घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वयं दर्शन दिया था। भर्थरीकुटी से सोमेश्वर धाम ही अब इस यात्रा का अगला पड़ाव होता है और इस यात्रा के दौरान यहाँ की चढ़ाई इस यात्रा की सबसे कठिन चढ़ाई होती है। यात्राओं में जो भी चीज़ें आपके साथ हों उनका बड़ा महत्व होता है। अब इस तरह के ट्रैकिंग में अगर आपके पास चना मिल जाए तो फिर तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा, और चने के साथ साथ अगर उसमें प्याज हो, भुजिया नमकीन हो और साथ ही साथ टमाटर भी हो और ये लालच भरा चेहरा हो, जी बिल्कुल, खाने का जो मजा है, जी बिल्कुल। कैसा लगा? स्वाद स्वाद प्राकृतिक रूप से बने सोमेश्वर पहाड़ के ढलानों पर चढ़ते समय आपको बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। यहाँ की कठिन चढ़ाई के बाद फाइनली आप पहुँचते हैं सोमेश्वर धाम के मुख्य पहाड़ पर। यहाँ की प्रचलित कथा की माने तो महापुराणों और वेदों के अनुसार चंद्रदेव का विवाह प्रजापति दक्ष और पत्नी विरणी के सभी 27 पुत्रियों से एक ही समय पर हुआ था, लेकिन चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों में सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करते थे, जिसकी वजह से अन्य 26 पत्नियां चंद्रदेव के इस बर्ताव से दुखी होकर अपने पिता प्रजापति दक्ष से शिकायत करने लगी। बेटियों के इस दुख से दुखित होकर क्रोधित दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे डाला, जिसके प्रभाव से चंद्रदेव 6 रोग के शिकार हो गए। प्रजापति दक्ष के श्राप से छुटकारा पाने के लिए चंद्रदेव ने इस पर्वत पर भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। तत्पश्चात महादेव की कृपा से चंद्रदेव को इस श्राप से मुक्ति मिली थी। यहाँ के सोमेश्वर शिवलिंग से लगभग 500 मीटर पश्चिम में स्थित सोमेश्वर कालिका मंदिर इस यात्रा का अंतिम दर्शनीय स्थल है, जहाँ माँ काली के रौद्र रूप का दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। पूरे साल में केवल चैत्र नवरात्रों में माता का दर्शन होने के कारण यहाँ हर साल आने वाले भक्तों की संख्या लाखों में पहुँच जाती है। कठिन मार्गों, कटीले पत्थरों और खतरनाक पहाड़ी रास्तों से यहाँ पहुंचकर माता कालिका का दर्शन करना थोड़ा कठिन जरूर है, पर जो भी भक्त एक बार भी यहाँ की यात्रा कर लेता है वो यहाँ की हसीन वादियों, नदियों, झरनों और इन सभी के बीच होने वाले थकान को जीवन भर नहीं भूल सकता। माँ काली आप सभी की मंगल कामनाओं को पूरी करें। जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही किसी अन्य वीडियो के साथ। जय माता दी।